हीरो कहेगी आई लव यू उमिनो कुन और वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ कपल ऑफ कुकोस सीजन 2। यार आज से हम हर वीक कपल ऑफ कुकोस सीजन 1 जहां एंड हुआ था उसके आगे की मांगा देखेंगे, क्योंकि यार सीजन 1 एंड हुए लगभग 1.5 साल हो चुके हैं और मेकर्स के साइड से ना ही सीजन 2 का कोई रिलीज डेट और ना ही उससे रिलेटेड कोई अपडेट आया है। तो यार बहुत हुआ इंतजार, सीजन 1 चैप्टर 60 पे एंड हुआ है, तो चलो देखते हैं चैप्टर 61 में आखिर क्या हुआ है। चैप्टर 61 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हीरो और इरिका शॉपिंग करने जा रहे हैं और इरिका नागी को टीज कर रही है। इरिका नागी से कहती है मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम हीरो चांद के साथ बाहर नहीं जा पा रहे, क्योंकि यार हीरो को अच्छा नहीं लग रहा है कि नागी उन दोनों के साथ सिर्फ कपड़े खरीदने बाहर जाए। और नागी इरिका से कहता है हाँ ठीक है जाना। फिर जैसे ही इरिका और हीरो बाहर जाते हैं हमें दिखता है नागी का इविल स्माइल। नागी बहुत ज्यादा खुश है और कहता है आखिरकार ये समय आ ही गया जब ना ही घर पे इरिका है और ना ही साची। फिर हमें दिखाया जाता है नागी बिना कपड़ों के, लिटरली एक भी कपड़ा नहीं, और नागी पुल के बाहर सन बाथ ले रहा है। वैसे जापान में बिना कपड़ों के बाथ लेना ट्रेडिशन है, बट हाँ स्विमिंग पूल के केस में तो मुझे नहीं पता। नागी अभी अपनी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर ही रहा था कि तभी पता नहीं कहां से वहां सांची आ गई। नागी पूरी तरह सॉक्ड है और सांची पूछ रही है कि आखिर कब से तुम पुल यूज करने लगे, एंड नागी ये सोच रहा है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। नागी सांची को थोड़ी देर के लिए वहाँ से जाने को भी कहता है, बट जाहिर सी बात है अगर कोई वहाँ से जाने को कहेगा तो इसका मतलब है और इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तो नागी ने बता दिया कि उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना है और नागी ये बात इरिका और हीरो को बताने से भी मना करता है, बट सांची कहाँ मानने वाली। तभी नागी को याद आता है कि पुल तो गेट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सांची अचानक से यहाँ कैसे आ गई। तभी हमें एक कैट की आवाज सुनाई देती है। नागी सांची से पूछता है कि आखिर ये कैट यहाँ कैसे आई, और सांची पूरी कोशिश करती है कि नागी को पता न चले कि इस कैट को कोई और नहीं बल्कि सांची ने ही घर में लाया है। सांची ये भी कहती है कि लगता है इस कैट को मेरी स्मेल को ज्यादा ही पसंद है, इसीलिए ये बिल्ली मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। बट नागी कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुमने इस बिल्ली को लाया है और तुम इसे खाना भी खिला रही हो। तब सांची डील करती है कि वो नागी का सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी एंड नागी इस बिल्ली को बाहर नहीं निकालेगा। फिर दोनों एग्री हो जाते हैं और उस बिल्ली को खाना खिलाने लगते हैं। नागी सांची से पूछता है कि क्या तुमने इस बिल्ली का कोई नाम रखा है। सांची कहती है कि ये एक लावारिस बिल्ली है और इस बिल्ली का मेरे अलावा कोई और नहीं है। और जैसे ही नागी बिल्ली को छूने की कोशिश करता है बिल्ली उसे पंजे मारने लगती है, जिस पर सांची हंसने लगती है और कहती है जैसा मैंने सोचा था बिल्ली तुमसे भी नफरत करती है। तभी नागी को याद आता है कि यार ये पहली बार नहीं है जब सांची ने बिल्ली को घर लाया है। सांची ने एक बार बचपन में भी बिल्ली को घर लाया था और तब सांची और नागी ने मिलकर उस बिल्ली का ख्याल रखा था, और उस टाइम भी जैसे ही नागी उस बिल्ली को छूने की कोशिश करता है वो बिल्ली नागी को पंजे मारने लगती है और सांची उस बिल्ली को अपने साथ रखने का बहुत ज्यादा जिद कर रही थी। नागी ये भी कहता है कि अगर उन्हें इस बिल्ली को रखना है तो उन्हें अपने मॉम डैड से पूछना पड़ेगा। और दूसरी तरफ नागी को पता था कि उसके पेरेंट्स कभी बिल्ली रखने के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में जाहिर सी बात है बिल्ली तो पाल नहीं सकते। और आखिरकार वही हुआ, जब नागी के पेरेंट्स को उस बिल्ली के बारे में पता चला तो उन्होंने उस बिल्ली को रखने से साफ मना कर दिया। फिर हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। सांची सोच रही है कि क्या वो बिल्ली अभी भी ठीक होगी या फिर वो बिल्ली मर चुकी है। तब नागी बताता है कि उस बिल्ली को उन्होंने अपने पड़ोसी को दे दिया था और वो शायद आज जिंदा होगी और शायद खुश भी होगी। तभी उनके सामने दीवार पर बिल्ली का एक कपल जा रहा था, जिसे देखकर नागी मन ही मन सोचता है कि ये लावारिस होने के बाद भी इसके पास गर्लफ्रेंड है। नागी अभी अपना दुखड़ा रो ही रहा था कि तभी सांची उसे पूछती है क्या तुम सच में शादी करने वाले हो। नागी कंफ्यूज्ड है कि आखिर ये क्वेश्चन अचानक से कैसे आ गया। सांची साथ ही ये भी कहती है कि आखिर कब तक तुम हीरो चान के पीछे पड़े रहोगे, तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए और यार तुम्हारे पास तो पहले से ही इरिका है। नागी शर्माते हुए सांची से कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम अपना बताओ। सांची कंफ्यूज्ड है और शायद शर्मा भी रही है कि नागी आखिर पूछना क्या चाहता है। नागी सांची से कहता है कि तुम बचपन में कहा करती थी ना कि तुम अपने प्रिंस चार्मिंग के आने का इंतजार कर रही हो और तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग यहाँ है। सांची शर्माते हुए कहती है तुम और प्रिंस चार्मिंग ये कभी नहीं होने वाला है। सांची ने ये तो बोल दिया बट अंदर ही अंदर सांची बहुत ज्यादा ब्लश कर रही है और कहती है अगले साल मैं 16 की हो जाऊंगी तो क्या पता तब मैं शादी कर लूं। नागी पूरी तरह सॉक्ड है और चिल्लाता है क्या तुम सच में शादी करने वाली हो। सांची शर्माते हुए कहती है मैं तो बस कह रही हूँ क्या पता कब क्या
क्या हो जाए। फिर नागी कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे लाइफ का डिसीजन लो, ये मेरी लाइफ है और मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए। तभी साची कहती है अगर ऐसा है तो अगर तुम शादी नहीं कर रहे तो मैं भी शादी नहीं करूंगी। नागी शॉक्ड है और साथ ही कंफ्यूज भी है, उसे कोई आइडिया नहीं है कि नागी ने क्या कहा और क्यों कहा। साची मन ही मन नागी को कहती है कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी पढ़ते हुए ही बिता देनी चाहिए। तभी ईरिका घबराई हुई वहाँ चिल्लाते हुए आती है और कहती है बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, सच में बहुत ज्यादा बुरा हो गया। दोनों उसे शांत होने को भी कहते हैं। तभी ईरिका कहती है कि हीरो चांद को किसी ने किडनैप कर लिया है। और यार यही चैप्टर 61 एंड हो जाता है। आई नो तुम सब ये जानने के लिए एक्साइटेड हो कि आखिर हीरो चांद को किसने किडनैप किया और चैप्टर 62 में क्या होगा। तो यार चलो बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर 62 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 62 स्टार्ट होता है और हमें शॉपिंग का सीन दिखाया जाता है। ईरिका सोच रही है कि अब नेक्स्ट शॉपिंग करने कहां चला जाए। अभी ईरिका सोच ही रही थी कि तभी कुछ लोग आते हैं और हीरो चांद को कार में बैठा लेते हैं। ईरिका शॉक्ड है और सोच रही है कि यहां क्या हो रहा है। और ईरिका चिल्लाती है अगर तुम्हें किडनैप करना है तो तुम मुझे किडनैप करो, मेरे डैड तुम्हें बहुत ढेर सारा पैसा देंगे। तभी हीरो कहती है ईरिका चांद तुम गलत समझ रही हो, मुझे माफ करना ये सब इतनी जल्दी हो रहा है, बट हर एक चीज के लिए शुक्रिया। तभी ईरिका नोटिस करती है कि उस कार में हीरो चांद की मदर भी है। और ये सारी स्टोरी सुनने के बाद जब नागी और साची ईरिका को समझाते हैं तब उसे समझ आता है कि वो कोई किडनैपिंग नहीं थी और कोई पेरेंट्स क्यों ही अपने बच्चे को किडनैप करेगा। और नागी ये भी समझाता है कि हीरो यहाँ घर से भाग के आई थी इसलिए उसके पेरेंट्स बस उसे घर ले जा रहे थे। फिर साची कहती है कि भले ही वो बस यहाँ 4 दिन के लिए थी लेकिन फिर भी उसके यहाँ से अचानक जाने की वजह से घर बहुत सूना लग रहा है। नागी कहता है कि जो कुछ भी हो बट हमें उसका लगेज लौटा देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हीरो ईरिका का कॉल नहीं उठा रही है और ना ही मैसेजेस का रिप्लाई दे रही है। ये सब देखने के बाद अब नागी को लग रहा है कि ये उसका आखिरी चांस है क्योंकि हीरो अपने घर से इसलिए भाग के आई थी क्योंकि वो अपने फियोंसे से मिलना नहीं चाहती है। साची कहती है इसका मतलब है हम फिर कभी हीरो सान को देख नहीं पाएंगे। वही नागी हीरोइक अंदाज में कहता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और ये कहते ही नागी हीरो की तरह घर से निकल जाता है। बट जैसे ही नागी हीरो चांद के घर के सामने जाता है और अब नागी सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, मैं यहां बहुत हिम्मत के साथ आया था बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। नागी पूरी तरह नर्वस है। नागी सोचता है कि वो अंदर जाएगा और अच्छे मैनर में सबके सामने कहेगा कि वो हीरो सान से बहुत करता है, प्लीज उसकी शादी मत करिए। और मन ही मन सोचता है कि मुझे उम्मीद है उसकी माँ मुझे समझेंगी और हीरो कहेगी आई लव यू उमिनो कुन। और ये सोच के नागी गेट के अंदर चला जाता है लेकिन अंदर घुसते ही उसके सामने हीरो उसकी माँ और फैमिली मेंबर्स के साथ दिख जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि हीरो के आंखों में आंसू है और हीरो रोते हुए नागी से पूछ रही है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नागी कहता है मैं किस्मत को बदल के रहूंगा और हम अपनी किस्मत खुद बनाएंगे। और जैसे हीरो कहती है उमिनो कुन कोशिश करो और मेरी किस्मत बदल दो, नागी हीरो का हाथ पकड़ता है और वहाँ से दोनों जाने लगते हैं। बट यार यहीं पे चैप्टर 62 एंड हो जाता है। और आगे क्या होगा, क्या हीरो नागी का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी, ये तो हमें आगे के चैप्टर में ही पता चलेगा। एंड आई नो तुम सब ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तो चलो बिना टाइम और वेस्ट किए चैप्टर 63 को देखते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर 63। तो यार चैप्टर 63 में हमें बताया जाता है कि आखिर कब, कहां और कैसे नागी हीरो सान से पहली बार मिला था। तो चैप्टर 63 की स्टोरी स्टार्ट होती है 2 साल पहले। नागी देखता है कि वो अपने क्लास में पहली बार सेकंड आया है और ये उसकी लाइफ में पहली बार हुआ है। और नागी पूरी तरह शॉक्ड है और सोच रहा है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, उसे कोई कैसे हरा सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है हीरो ने फर्स्ट प्लेस स्कोर किया है और नागी जैसे ही देखता है कि किसी लड़की ने फर्स्ट प्लेस स्कोर किया है, ये जान के नागी पहले से भी और ज्यादा शॉक्ड और डिप्रेस्ड है। नागी डिसाइड करता है कि अब वो हीरो से नहीं हारेगा और खूब मन लगा के पढ़ाई करेगा। नागी अपनी स्टडीज भी शुरू कर देता है और खूब मेहनत से भी पढ़ता है लेकिन नागी लगातार 2 टेस्ट में सेकंड प्लेस आता है। लेकिन वहीं अपोजिट साइड में हीरो इन दोनों टेस्ट में फुल स्कोर करती है, जिसे देखने के बाद जाहिर सी बात है नागी हर एक काम छोड़ के पढ़ाई में घुस जाता है। यहाँ तक कि नागी साची के साथ खेलना भी बंद कर देता है और इतना सेक्रीफाइस के बाद भी फिर से नागी का सेकंड रैंक आता है। और यही सब होने के बाद और ये सब देखने के बाद नागी को लग रहा है कि हीरो को हराना उसके बस की बात नहीं है। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें बताया जाता है कि पिछले टेस्ट में 100 डिग्री फीवर होने के बाद भी हीरो ने टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और फीवर के बावजूद भी उसने फर्स्ट रैंक स्कोर किया है। और नागी को जैसे ही इन सब चीजों का पता चलता है, नागी पूरी तरह जोश में भर जाता है और वो हीरो के पास जाता है और कहता है तुमने फीवर होने के बावजूद भी टेस्ट दिया और फर्स्ट रैंक स्कोर किया, तुम सच में अपने आप को लिमिट से ज्यादा पुश करती हो। और अभी नागी हीरो की तारीफ कर ही रहा था कि हीरो चिल्लाती है मुझसे कभी बात मत करना। नागी हम सब की तरह कंफ्यूज है, आखिर ये क्या था, हीरो ने ऐसा क्यों बोला, बट यार रियल रीजन क्या
क्या है ये तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। सो या अगर तुम्हें आगे की स्टोरी जानना है तो कमेंट करो, ज्यादा डिमांड रहेगा तो सीरीज कंटिन्यू किया जाएगा। सो या जाओ फटाफट कमेंट करो। टिल देन एंजॉय योर एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।